जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जल जीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। जल जीरा फटे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी नीरज, असली मसाले सच सच MBH MBH। उनके बच्चे फिर पेंसिल तोड़ी तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ, और ये तुम्हारे दोस्तों के लिए टॉफी जो में है कॉफी और क्रीम की दोस्ती। राहुल ने मुझे नहीं पेंसिल दी। प्रिया गोल्ड टॉफी जो नहीं असली इंडिया। साधना टीवी देखने के लिए सबसे पहले आप अपने डीडी डायरेक्ट टीवी के सेटअप बॉक्स मेन्यू में जाएं, प्रोग्राम सेटअप में जाकर ओके बटन को प्रेस करें, फिर ऑटो स्कैन ऑप्शन में जाकर ओके का बटन दबाएं, स्कैन कंप्लीट होने का इंतजार करें और जब आपका स्कैन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मेन्यू में जाकर एग्जिट बटन दबा दें और फिर चैनल नंबर 138 पर देखें अपना पसंदीदा चैनल साधना टीवी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 09540641414। नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। वंदे मातरम में आज हम चर्चा कर रहे हैं वीआईपी कल्चर की। हमारे देश की यह मानसिकता है कि यहां हर नेता, मंत्री, फिल्म स्टार, अधिकारी अपने आप को अति विशिष्ट की श्रेणी में आने को व्याकुल दिखता है और अपनी क्षमता और अपनी पहुंच के हिसाब से विशिष्ट सुविधाओं को हासिल करने की हर संभव कोशिश करता है, चाहे इस दौरान आम जनता को तकलीफ हो या उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सरकार किसी की भी हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, बात वो इस कल्चर को खत्म करने की करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वो इस वीआईपी सुविधा को हासिल करने से गुरेज नहीं करते। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ होंगे दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी दयाल गौर और देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के सीनियर नेता आरपी रतूरी साहब। इसके अलावा संतोष कुमार जॉय जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे नोएडा स्टूडियो से जुड़ेंगे चर्चा के दौरान, बीच में वो हमारे साथ जुड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे। इसके अलावा फोन लाइन पे हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता साइस्ता अंबर, उषा ठाकुर और रेणुका चौधरी कांग्रेस नेता, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरे चर्चा के दौरान। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने से पहले सबसे पहले डालते हैं नजर एक रिपोर्ट पे जो कल की किसान रैली, जो कि आम आदमी पार्टी की किसान रैली थी, उसमें गजेंद्र की मौत हुई थी और वीआईपी कल्चर दोनों से जोड़ करके क्या रिपोर्ट एक बनाई है हमारे डेस्क ने आपको दिखाते हैं। अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच से नहीं उतरे, ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े, ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। हाथ से आम बनने का नारा बुलंद कर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनने के 50 दिनों के भीतर ही आम से खास यानी वीआईपी और वीवीआईपी के रंग में रंगते दिखी। एंटी करप्शन नंबर के लॉन्च के मौके पर ऐसी ही तस्वीर नजर आई थी। इस तस्वीर के सामने आने पर आम आदमी पार्टी की खास दलील भी सामने आई थी। खैर, ये बात तो पुरानी हो गई, नया मामला आम आदमी पार्टी की
22 अप्रैल की किसान रैली में गजेंद्र की आत्महत्या का है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के खास हो जाने का एक और बेशर्म नजारा सामने आया। जब ये सवाल उठने लगे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने किसान जब गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर रहा था तो केजरीवाल अपना भाषण रोककर उसे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए, तो जवाब यह आता है कि वो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा खास व्यक्ति हैं, तो क्या वो पेड़ पर चढ़कर किसान को बचाते। सुनिए आपके वरिष्ठ नेता आशुतोष के वीआईपी बोल। ये अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच से नहीं उतरे, ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े, ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पे जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने से रोक। ये तो एक वानगी भर है जहां आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का खास व्यवहार करते नजर आए हैं। जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, आज हर एक मौके पर उसे अपनाती दिख रही है। एक और कल्चर जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शुरू किया है वो है माफी मांगने की। पहले गलती करते हैं और जब जनता और मीडिया याद दिलाती है तो झट से माफी मांग लेते हैं। पहले गद्दी छोड़ने के लिए माफी मांगी और अब भाषण रोकने के लिए भी मांग रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी इसकी गारंटी वो नहीं देते। मुकेश कुमार, साधना न्यूज, दिल्ली। तो सुना आपने कि किस तरह से वीआईपी कल्चर इस पूरी रैली के दौरान जो वीआईपी बोल थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुंह से साफ तौर पर सुनाई दिए हैं। और आइए आपको कुछ महीने पहले का एक अरविंद केजरीवाल का एक भाषण सुनाते हैं जिसमें उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही थी। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं, ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं जी। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क एक घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए, या आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। जी हाँ, ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बोल, जो कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कर रहे थे और वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात को लेकर ही ये सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं, हम एक 40 सेकंड की एक क्लिपिंग दिखाते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट की एक क्लिपिंग है, इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अच्छे विचारों से प्रेरित हुआ हूँ, बस जिंदगी भर लोगों की सेवा करना। दिल्ली फ्लाइट, विंडो सीट। आप लेट हैं, जानती हो हम कौन है, जानती हो क्या, जल्दी करो। मैं कुछ करती हूँ सर। यात्री कृपया ध्यान दें, ये महाशय नहीं जानते कि ये कौन है। अगर आप इनकी ये जानने में मदद कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से वीआईपी कल्चर पर चोट किया गया था इस विज्ञापन के जरिए। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा चलते हैं दिल्ली के बीजेपी कार्यालय, जहां पर श्रीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीकांत जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल आए थे सरकार में, उसके बाद से लगातार उन पे इसी कल्चर को अपनाने का आरोप लगता आ रहा था। क्या आपको लगता है जिस तरीके से कल की घटना हुई है और जिस तरीके से और दूसरी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से वीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाया है, आपको क्या लगता है, क्या आपकी पार्टी इस कल्चर के खिलाफ है और क्या आपके पार्टी के नेता ये कह सकते हैं कि हमारे पार्टी के नेता वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं देते और इसमें विश्वास नहीं करते? मुकेश जी, एक तो वीआईपी कल्चर की बात करना और आम आदमी के हितों की बात करना और लगातार अन्ना जी के आंदोलन में का नेतृत्व करते हुए वहाँ पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेना और वहाँ से एक सफर शुरू होता होता हो
तो ये थे श्रीकांत शर्मा जी। हमारा ऑडियो कुछ खराब आ रहा, फिर बाद में हम जुड़ेंगे श्रीकांत शर्मा जी से। अभी चलते हैं सीधा देहरादून। देहरादून से हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए वहां पे देहरादून स्टूडियो से। उनके पास हम चलेंगे, सीधे आरपी रतूरी के पास चलेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वीआईपी कल्चर में जिस तरीके से, खासतौर पे रतूरी साहब अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूपीए के शासन के दौरान, माफ कीजिएगा, लखनऊ चलेंगे। लखनऊ से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर जी जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। नूतन जी, जिस तरीके से वीआईपी कल्चर को खत्म करके या खत्म करने की बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज हुए थे, आपको क्या लगता है, क्या अब वो खुद उसी वीआईपी कल्चर में ट्रैप होते दिख रहे हैं? कहूंगी कि कुछ चीज, मतलब वीआईपी कल्चर को भी थोड़ा डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी बातें कह के अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए, वो अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो वो सारी चीजों को लेके जब अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं या तो वहां पे उन जो बातें उन्होंने कही उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज बुनियादी जरूरत होती है। ये जरूरत है कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपको गाड़ी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद ऐसा है जिसकी सुरक्षा भी जरूरत है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये देख इसके आकलन की भी जरूरत होती है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा को, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि कौन वीआईपी है नहीं है, कि जगह पे अगर व्यक्ति विशेष कुछ पद है जिन पे सुरक्षा जरूरत है, लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनको जो आम जनता है उनको महसूस होता है कि जो भी सुरक्षा है वो जो वीआईपी हमारे यहाँ बड़े पद धारक है या कहीं ना कहीं से सत्ता के करीब है उनके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, हमारी जरूरत के लिए पुलिस फोर्स नहीं है। अगर हमें खतरा महसूस होता है, हम अपने लिए सुरक्षा मांगते हैं तो नहीं मिलती। जरूरत उस गैप को भरने की है और पर्याप्त किस व्यक्ति को कितना सुरक्षा है उसका आकलन करने के बाद ही सुरक्षा देनी चाहिए। जो दुर्भाग्यवश नियम तो तमाम बने हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन जब आकलन करने की बात आती है, जो रिपोर्ट्स भी जाते हैं तो वहां भी चीजें मैन्युपुलेट होती है और कहीं ना कहीं ये चीज हावी दिखता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिन लोगों का है उन्हीं को सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल नूतन जी, ये केवल नेताओं की बात सुरक्षा तक आकर के रुक नहीं जाती है। केवल सुरक्षा के लेवल पे ही वीआईपी कल्चर को नहीं देखा जाए। आप अगर एयरपोर्ट पर जाते हैं वहां वीआईपी लॉन्ज होता है, अगर आप हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहां पर वीआईपी वार्ड्स होते हैं, अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो वहां वीआईपी रूट लगाए जाते हैं, और इन सब कारणों से, इन वीआईपी रूट, वीआईपी लॉन्ज और वीआईपी वार्ड के कारण आम जनता को कितनी परेशानी होती है, आम जनता को कितना भुगतना पड़ता है, अपनी जान देनी पड़ती है। आपको आंकड़े अगर बताएं तो 2009 से 2011 के बीच में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं दिल्ली में खास करके, और दिल्ली और कानपुर में, जहां केवल पीएम के रूट लगे रहने के कारण जो है 3 व्यक्ति की मौत हो गई, उन्हें चिकित्सा सुविधा टाइम पे नहीं मिल पाई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कल्चर के दौरान या इस तरीके के कल्चर के जो विक्टिम है उनको न्याय दिलाने के लिए उनके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? सीधे तौर पर सरकार को माना जाए या सीधे तौर पर जो व्यक्ति जिसके कारण जो है वो रूट लगाया जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, उसको माना जाए? कैसे इन चीजों को बदला जाए? जैसे देखिए, मैं वही कह रही थी कि कुछ चीजें तो जरूरत की होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि आप वीआईपी लाउंज बनाते हैं, वहां अगर आप बिल्कुल आभास कराइए कि हम कहने को लोकतांत्रिक देश है, लेकिन एक जगह पहुंच जाते हैं तो आप बिल्कुल अलग हो गए हैं। जैसे कई बार मैं खुद भी जाती हूं, अगर कोई वीआईपी आने वाले होते हैं तो इस तरीके से ट्रैफिक रोका जाता है अचानक ही, कई बार लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। जिस तरीके से हूटर बसते हुए निकलते, तो निश्चित रूप से इन चीजों से आम जनता को परेशानी होती है, और इस पे जो वीआईपी है उनको भी इस चीज को देखने और जो हूटर बजा रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। जहां फोर्स इतनी पर्याप्त मात्रा में लगाई जाती है, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा है कि वीआईपी और सिक्योरिटी, जब वीआईपी जो है वो सड़क पे निकलते हैं तो आधे घंटे एक घंटे पहले सड़क न बंद किया जाए, कुछ समय पहले बंद किया जाए कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। लेकिन इसके बाद भी जो इंप्लीमेंटिंग ऑथोरिटी है उनको लगता है कि नहीं, हमने पूरी जनता को रोक दिया है तभी वीआईपी सिक्योरिटी कर रहे हैं, भले आम
जनता की परेशानी हो उससे उनको मतलब नहीं होता है, जबकि जो वीआईपी गुजरते हैं उनको कई बार ये पता नहीं होता है कि आधे घंटे से या एक घंटे से ट्रैफिक रोका हुआ है, कितनी देर से रुका है। तो यहाँ जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नियत होनी चाहिए कि जो भी वीआईपी आते हैं उनके सुरक्षा में या उनके रूट के लिए अगर वो लगे हुए हैं तो आम जनता को कम से कम परेशानी हो इसका, इस चीज का भी वो ध्यान रखे। और निश्चित रूप से जो वीआईपी कल्चर है, तमाम चीजें हमारा इनबिल्ट हो गई, जो अब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ चीजों को कम करने की भी जरूरत है, क्योंकि हम लोग विकासशील देश है जहाँ के लोगों की हम कहते हैं 28 रुपए 30 रुपया एक व्यक्ति अगर कमाता। नूतन जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, नूतन जी जो आप कह रहे हैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन अब इस सुनाना चाहेंगे कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का क्या कुछ कहना है वीआईपी कल्चर को लेकर। हालांकि कुछ दिन पहले खुद उनकी वजह से विमान देरी से उठा था, अब वो क्या कह रही है वीआईपी कल्चर को लेकर आपको सुनाते हैं। वीआईपी कल्चर क्या, सिविल एविएशन मंत्रालय एयरपोर्ट में कुछ बनाई क्या? नहीं ना, यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारा दुनिया में बनते हैं और एयरपोर्ट वाले बनाते हैं। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बहुत बड़ा विभाग होता है। जब धक्का खा के ट्रैवलर्स आते हैं, कई बार एयरक्राफ्ट 2-4 घंटे लेट हो जाते हैं, बाल बच्चे समेत माँ इस ट्रैवल करती रहती है, कोई लोग बीमार भूखे नंगे कोई आते रहते हैं, कई बार लाशों को लेके आते हैं, अलग देशों से हम लेके आते हैं। जब इतना काम एयरपोर्ट पे चलती है, आप कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ वीआईपी के लिए एयरपोर्ट चल रही है? बग्गीज जो आते हैं एयरपोर्ट में वो तो फ्री सर्विस है हर पेशेंट के लिए, हर लुंगड़े लल्ले जितने लोग माँ बच्चे पेट की औरत जो भी है उन सबके लिए लगा हुआ है। तो ये जो हंगामा हम मचाते हैं कि वीआईपी कल्चर अलग है, मर्यादा और सहूलत अलग बात है। जी तो सुना रेणुका चौधरी का क्या कुछ कहना है वीआईपी कल्चर को लेकर, सीधे ले चलते देहरादून जहां पर कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं आरपी रतूरिया। आरपी जी सुना आपने रेणुका चौधरी का क्या कुछ कहना है इस वीआईपी कल्चर को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी ही नेता हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि वीआईपी कल्चर पर इतना हो हंगामा क्यों हो रहा था। जी रतूरी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि वीआईपी कल्चर को लेकर ये आज हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीआईपी कल्चर फॉलो किया जाता है और इसके चलते न सिर्फ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बल्कि कई लोग इस वीआईपी कल्चर के चलते अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। जी हाँ, जब वीआईपी लोगों की गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं तो पूरे रूट को बंद कर दिया जाता है जिससे लोगों को दिक्कतें जरूर होती हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और सीधे ले चलेंगे देहरादून जहां पर आरपी रतूरी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं वो मौजूद हैं। रतूरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे वीआईपी कल्चर को लेकर ना सिर्फ लोगों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए, मेरा ये मानना है बहुत ज्यादा वीआईपी कल्चर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, इन लोगों को तो उस दायरे में रखना चाहिए। पर आजकल एक रिवाज चल गया है कि हर कोई आदमी वीआईपी कल्चर की तरफ बढ़ करके कहना चाहता है कि साहब मैं भी हो गया, मैं भी बत्ती लगा दूं, मैं भी हॉर्न बजा दूं, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। ये जो होना एक्चुअली मेरा अपना मानना है कि एम्बुलेंस के लिए हो, फायर ब्रिगेड के लिए हो, और बहुत ज्यादा हो तो मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब और चीफ जस्टिस को इनके लिए होना चाहिए। बाकी कह रहे हैं बिल्कुल नियम यही है जो केवल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के लिए ये जो
स्पेशल सुविधाएं होती है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, लेकिन इसका नाजायज फायदा दूसरे नेता और मंत्री भी इसका उठाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि केवल सुरक्षा की बात को अगर आप छोड़ भी दें, तो यूपीए के पिछले शासनकाल में आपको जब प्रफुल्ल पटेल जब मंत्री थे, आपके सिविल एविएशन मंत्री थे, वो आपकी पार्टी के नहीं थे लेकिन आपके साथ यूपीए सरकार में शामिल थे, और उनकी दोनों बेटियों ने जिस तरीके से वीआईपी कल्चर या अपने रसूख का इस्तेमाल करके एक बार उन्होंने छोटी जो प्लेन थी एयर इंडिया की उसको बड़ा करवाया, क्योंकि अपने ससुराल के कुछ लोगों को बिजनेस क्लास में अकोमोडेट करवाना था उन्हें और उसको लेकर के जाना था, और दूसरी बात जो कि छोटी बेटी थी जो चंडीगढ़ से मुंबई अपने फ्लाइट को लेकर के गई थी और सीधे तौर पर उस एक जो पूरा प्लेन था उसको चार्टर्ड विमान में परिवर्तित कर दिया गया था और उस प्लेन को 12 घंटा पहले रद्द कर दिया गया था, जिससे जो परेशानी हुई थी यात्रियों को जिन्होंने उस पर अपना रिजर्वेशन पहले से करवाया हुआ था उसको 12 घंटा पहले कैंसिल कर दिया गया था। तो ये सुरक्षा की कोई बात नहीं होती है, सभी आपके यूपीए में जितने भी मंत्री थे सभी अपने अपने तरीके से जब जिसको जहां मौका लगा उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और जो जनता को असुविधा हुई उसे दरकिनार कर दिया गया। क्या कहेंगे रतौरी साहब? ना, ये एक्चुअली यूपीए और एनडीए का मामला नहीं है, ये कुछ अधिकारियों ने इसको अपनी सहूलियत के लिए जानबूझ करके लोगों को तंग करने के लिए ताकि उनको कोई काम न करने पड़े सुरक्षा के नाम पर उन्होंने इसको ज्यादा बढ़ा दिया। और जो इस तरह के कल्चर में, मैं नहीं मानता हूँ यूपीए की सरकार में हो चाहे एनडीए की हो, व्यक्तिगत अगर कोई इस तरह का काम करता है तो ये ठीक नहीं है। रतौरी साहब, अगर अधिकारी अपने काम को अगर आसान करने के लिए गलत सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी सुविधाएं दे रहे हैं तो आपको विरोध करना चाहिए, नेताओं को सरकार को विरोध करना चाहिए, उन्हें कोई खुली छूट तो नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल निश्चित करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चित करेंगे। और हमारी सरकार ने पिछली दफे जब आपने देखा होगा लाल बच्चों का केंद्र से स्पष्ट निर्देश आया कि कौन कौन इनका प्रयोग करेगा, किस किस के लिए, लेकिन आप गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, इनके लिए तो थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है कहीं। नहीं, नहीं, अब सरकार नहीं, आप भूल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश आए थे जब खुलेआम काफी जो बत्तियों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया था, आपके उत्तराखंड में भी बढ़ा था और दिल्ली में भी बढ़ा था, तो फिर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था और उसके बाद फिर से दिशा निर्देश जारी करने पड़े थे और सरकार को निर्देश देने पड़े थे कि सख्ती से पालन कराया जाए इस कानून का। जी जी, रतौरी जी क्या कहेंगे जिस तरीके उसका पक्षधर हूं कि इस तरह की ये जी पूरी करें, बात अपनी पूरी करें। मैं ये बिल्कुल निश्चित आपकी बात को मानता हूँ कि ये जानबूझ करके कुछ लोगों ने अपने प्रेस्टेज ऑफ सिंबल को बना करके कि ये बत्ती लगा करके जो अधिकृत भी नहीं थे उन लोगों ने भी उसका प्रयोग किया, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्रीय प्रधानमंत्री है, महामहिम राष्ट्रपति है, महामहिम राज्यपाल है, चीफ जस्टिस है, इनके लिए तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं सुरक्षा के मामले में तो कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकेंगे, इनको तत्कालिक व्यवस्था में पहुंचना भी पड़ता है। जी नूतन जी, दुर्पयोग की होना चाहिए, एक बात ये भी होती है, यदि व्यवस्थाएं सही से नहीं चल रही है तो वो भी सरकार ही जिम्मेदार है, यदि ट्रैफिक व्यवस्था सही से चले तो किसी भी वीआईपी को मूवमेंट करने के लिए दूसरे के ट्रैफिक को रोकना नहीं पड़ेगा, अगर सारी व्यवस्थाएं जो बनी हुई है उनको चलाने का सुचारू रूप से वो चलती रहे इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, यदि आप सही तरीके से ट्रैफिक चलती रहे, अगर सही तरीके से सारे काम होते रहे तो कहीं भी वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब भी मैं भी निकलूं तो ज्यादा देर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, नॉर्मली जैसा मैं जाता हूँ मुझे ना, ये उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया, पर कुछ अधिकारी सुरक्षा के नाम पर ताकि अपने ऊपर ना जाए ये थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं। लेकिन नहीं, रतौरी साहब आपको याद दिलाना चाहेंगे, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने
ट्रैफिक को उनके कारण ट्रैफिक को आधे आधे घंटे तक रुकना पड़ा था रोड पर। जब मीडिया ने सवाल किया था उनसे कि आपके कारण जनता को असुविधा हो रही थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जनता को भुगतना कर पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये किस तरीके का बयान है, इसमें तो कहीं अधिकारी कोई नहीं आता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये मैं उस बयान का पक्षधर नहीं हूँ और ये नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 5 मिनट से अधिक, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट से अधिक, और उसमें भी एम्बुलेंस को, फायर को बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इनको तो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। और ये बयान जो था वो तो बहुत अच्छा नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का बयान नहीं होना चाहिए। जी, आप तो कह रहे हैं जनप्रतिनिधि का बयान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके मुख्यमंत्री इस तरीके से कर रहे हैं रचना। जी नूतन जी, इस बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सड़कों पर जब लाल बत्ती की गाड़ियां दौड़ती हैं तो दूसरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां भी इसी तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। अब यहां पर मंदिरों की अगर बात की जाए तो मंदिरों में भी जब कोई वीआईपी पहुंचता है दर्शन के लिए तो वहां पर भी यही कल्चर लागू किया जाता है। क्या लगता है आपको, ये कितना सही है मंदिर के अंदर इस तरह से वीआईपी कल्चर को लागू करना या फॉलो करना? देखिए मैं कहूंगी कि ये वीआईपी कल्चर जो है हमारे नसों में घुसा हुआ है। मंदिर में भी अगर आप देखिए तो वीआईपी लाइन अलग होती है, वो तो जो समाज के थोड़े ऊंचे तबके के लोग हैं जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तमाम मंदिर हैं वहां पे उनके लिए लगती, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस या बहुत ऊंचे पदों पे आसीन लोग हैं उनके लिए वो लाइन भी नहीं होती है। उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होती है, सारे लोगों को रोक दिया जाता है, जब तक वो दर्शन नहीं करेंगे तब तक और कोई नहीं जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले की बात मुझे याद आ रही है, उमा भारती जी को कहीं जाना था, ट्रेन रोक दिया गया कि उनको लेट हो रही थी, तो जब तक वो ना ट्रेन पकड़ ले तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। तो इस तरह की चीजें जो है कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी वही है जिसके लिए जितने भी नियम है वो शिथिल कर दिए जाए तभी वो वीआईपी माना जाएगा। मुझे लगता है इस मानसिकता से भी उभरने की जरूरत है, और खास करके जो अधिकारी अनुपालन करने की जिम्मेदारी है उनको भी आने की जरूरत है कि हमारे जो नियम कहते हैं उसी के अनुरूप हम काम करें। नूतन जी, क्या चर्चा इस बात पर भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, नेता, अधिकारी और मंत्री तो है ही, फिल्म स्टार तो है ही, इसके अलावा भी जो सामान्य लोग भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। आप देखें जो सिविल परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं जो लड़के, अगर उनसे आप बात करेंगे तो भी कहते हैं मुझे लाल बत्ती चाहिए इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं। कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मोटिवेशनल फैक्टर भी हो गया है कि वीआईपी कल्चर को लोग जो है अडॉप्ट करने के लिए, एक तरह फैसिनेट करता है, वो आकर्षित करता है लोगों को, और लोग जो है इस वीआईपी कल्चर का हिस्सा बनने के लिए ललायित रहते हैं। एक मेंटेलिटी बन गई है हमारे भारतीयों की। जी बिल्कुल, जो मैंने कहा कि ये चीजें हमारे नसों में है, तो कहने का मतलब वही था कि जब जो एक्चुअल में कोई पद पे है उनको तो थोड़ी बहुत सहूलियत मिलती है पद के अनुसार, उसमें भी अगर आप गुजरते हैं तो आपके लिए 2-3 गाड़ियां भी काफी है। 10-10 गाड़ियों के साथ गुजरे, मुझे मतलब उसमें सुरक्षा किस दृष्टि से, अगर 10 गाड़ी से ही आपकी फ्लीट गुजरती हो तभी सुरक्षित होंगे, समझ में नहीं आती है। तो जो भी कोई व्यक्ति, अगर आम आदमी देखता है कि आज अगर कोई फला पद पे अगर सिविल सर्विस जिसने तैयार किया हो और उसके बाद अगर वो आईएएस होता, आईपीएस होता, तो दो चार पुलिस वाले या आगे पीछे घूमते हैं, उसका लोग मिल जाते हैं जो घूमते हैं, बत्ती लगी गाड़ी मिल जाती है, आपके तमाम व्यक्तिगत काम है वो बड़े आसानी और सहूलियत से होने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को वो चीज आकर्षित करता है। दूसरे जैसे हमारे पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियन है जिनको पद मिला है, मंत्री है, वो तो यूज करते ही है, उनके जितने फॉलोअर होते हैं वो उनसे ज्यादा कई बार इस्तेमाल करते हैं। हो सकता मंत्री महोदय की गाड़ी निकलती हो वो बिना हूटर के चलती हो, लेकिन उनके फॉलोअर अगर झंडा लगी हुई गाड़ी अगर निकलेगी तो बत्ती भी लगी होगी उस पर वो एलिजिबल नहीं है, उसके बाद भी हूटर भी बड़ी तेजी से बजाते हुए निकलेंगे। तो जरूरत इस जगह पे कानून का अनुपालन कराने की भी है कि जब तक सख्ती नहीं करिए तब तक शायद हमारे यहाँ नियमों का पालन होना मुश्किल है। जी जाहिर सी बात है, सीधे चलते लखनऊ जहाँ पर रतूड़ी साहब हमारे साथ, माफ कीजिएगा, देहरादून जहाँ पर रतूड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रतूड़ी साहब, जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की आपने बात सुनी कि उनका क्या कुछ कहना था कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन जो रैली हुई
जिसमें किसान ने खुदकुशी कर ली, उसमें साफ तौर पर उन्हीं के नेता ये कहते नजर आए कि वो एक वीआईपी हैं, वो एक वीवीआईपी हैं, तो क्या वो खुद पेड़ पर चढ़ के उसको रोकते कि तुम आत्महत्या मत करो, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? यहां क्या वीआईपी कल्चर लागू होना चाहिए था या एक इंसानियत के नाते उसको बचाना चाहिए था? केजरीवाल साहब कहते कुछ है करते कुछ है, उनके अगर वो चाहते तो भाषण बंद करके और अपने जो उनके स्वयं सेवक थे जो वॉलंटियर्स थे उनको तत्काल उसके पीछे पेड़ पे चढ़ा करके उस किसान को बचाया जा सकता था, लेकिन वो कहते कुछ है करते कुछ है, वो अपनों के ही हुए जो जिन्होंने उनको उस स्थान तक ले गए, तो ये आम जनता के तो क्या होंगे? वो उनका तो खैर वो कहना अलग है, बिल्कुल बेकार है। आप वो आम आदमी से आप हट गए, अब वो सुख सुविधा वाले हो गए, तो अपने साथियों जिन्होंने इतना मेहनत करके घर का तो बड़ा कलंकित है ये उनको, बल्कि उसके बाद वो भाषण बंद कर दे रहते था। एक आदमी अपने किसान फांसी लगा रहा और वो अपने राजनीति से एक रहे, ये बिल्कुल गलत था, उनको देखना चाहिए था कि पहले उसे बताते, अपने वॉलंटियर्स को भेजते और उसके बाद तब। जी रतुड़ी साहब, जी रतुड़ी साहब, आपको रोकना चाहेंगे और एक ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे जिसके तहत तमाम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। आपको बता दें कि आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी के मुताबिक भारत में ट्रैफिक को केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विजिटिंग विदेशी मेहमानों के लिए रोका जाता है। वीआईपी कल्चर की वानगी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो भारत में आते विशिष्ट लोगों को खुश करने के लिए हमेशा ही खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो वीआईपी कल्चर की किस तरह से वानगी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तैनात पुलिसकर्मियों का लगभग 55% वीआईपी सुरक्षा में वो तैनात हैं। कमोबेश यही स्थिति तमाम राज्यों में देखने को मिलती है। इधर पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की दोनों बेटियों ने अपने वीआईपी स्टेटस का खूब जमकर फायदा उठाया। 25 अप्रैल 2010 की बात है जब प्रफुल्ल पटेल की बड़ी बेटी ने बेंगलुरु से मालदीव के लिए एयर इंडिया के छोटे विमान 1319 की जगह 1320 का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने ससुराल वालों को बड़े विमान में जगह दिला सके। वही छोटी बेटी ने तो एयर इंडिया के एक विमान को चार्टर्ड विमान में तब्दील करने की बात कही ताकि वो आईपीएल के खिलाड़ियों के साथ यात्रा कर सके। और अगली बार इसी तरह मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर लागू है। तिरुपति बालाजी में आते विशिष्ट लोगों के दर्शन की अलग से व्यवस्था है, लेकिन जब से वीआईपी दर्शन करने वाले लोगों की संख्या 1000 की गई तब से 10,000 से ज्यादा आम श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तो किस तरह से वीआईपी कल्चर फॉलो किया जाता है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे कि नेता, राजनेता, सेलिब्रिटीज की अगर बात करें जो फिल्म स्टार हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के कल्चर को फॉलो करते नजर आते हैं। अब चलेंगे रचना सीधा हम लोग चलेंगे लखनऊ से। हमारे गेस्ट है स्वामी दयाल गौर जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे हमारा संपर्क हो रहा है। उनसे अगर अपने पीसीआर से कहेंगे कि एक बार इन्फॉर्म करें कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ चुके हैं हम लोगों से। स्वामी दयाल गौड़ क्या हमारे साथ मौजूद हैं? जी हाँ, स्वामी दयाल गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्वामी दयाल गौड़ जी, स्वागत है आपका वंदे मातरम में। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से वीआईपी कल्चर की बात को लेकर के पूरा मसला भी फिर से उठ खड़ा हुआ है कल की किसान रैली, 22 तारीख की किसान रैली के बाद से, आप बताएं वीआईपी कल्चर में आपके नेता और आपकी पार्टी भी आकंठ डूबी नजर आती है? आपके नेता की भैंस चोरी हो जाती है तो फिर उसे भी एक वीआईपी दर्जा दिया जाता है, पूरा महकमा जो है सरकार का वो मंत्री के भैंस को खोजने में लग जाती है। क्या कहेंगे, किस तरीके का वीआईपी कल्चर है आपके यहाँ? जी गौर साहब, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है तकनीकी खराबी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और नूतन ठाकुर जी के पास जाना चाहेंगे और उनसे जानते हैं कि
जी आपको बता दें कि मैं आप सवाल लेना चाहूंगी रतूड़ी साहब से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। रतूड़ी साहब, जिस तरीके से अगर बात करें आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो पहले उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो किसी भी तरह की वीआईपी फैसिलिटी नहीं लेंगे, लेकिन हर तरह की फैसिलिटी वो लेते नजर आए, चाहे वो बत्ती लगी गाड़ी हो या फिर कोई बड़ा बंगला हो, जिसको लेकर तमाम विवाद भी बीच में सुनने को मिले थे। अभी भी कहा है कि आम आदमी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, केजरीवाल साहब नटवर लाल की तरह काम करते हैं, और उन्होंने पहली बार भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहा मैं अपनी वैगनार में जाऊंगा, बाकी उसके बाद सबने इनोवा गाड़ी मांग ली, आज भी फिर वही है, अब बंगला ढूंढा जाएगा, आज इनोवा गाड़ी होगी, लाल बत्ती होगी, कोई कल्चर वल्चर वो बंद नहीं करेंगे, वो उसी में वो केवल केवल आम जनता को आम जन को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में अब आपसी फूट इसी का हिस्सा है, एक कहता है कि नहीं होना चाहिए कल्चर, एक कहता है कि जो केजरीवाल साहब है वो कहते हैं कि भाई अब हम मुख्यमंत्री हैं, अब वो इस कल्चर में आ गए हैं उप मुख्यमंत्री साहब। बिल्कुल रतूड़ी साहब रोकना चाहेंगे, आप चलना चाहेंगे, हम सीधा लखनऊ, वहां से हमारे पास स्वामी दयाल गौड़ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछेंगे। गौड़ साहब बताएं, वीआईपी कल्चर को लेकर के आपकी पार्टी और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली, क्या आप इसे बढ़ावा देते हैं? आपके नेता जिस तरीके का आचरण करते हैं पब्लिक में और जिस तरीके का आचरण करते हैं अपने निजी जीवन में, क्या आपको लगता है कि उनसे वीआईपी कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है? ना, मैं इसके विरोध में, देखिए वीआईपी कल्चर तो आजकल जितने नेता हैं आईएएस हैं आईपीएस सबकी रगों में भर चुका है, खून में उनके पेवस्त हो चुका है, और इस वीआईपी कल्चर की वजह से जैसे कोई मंत्री है तो खुद उसको एक गाड़ी मिली है लेकिन वो अपने साथ 10-10 गाड़ियां लेके चलता है, और कोई बीमार व्यक्ति है अगर एम्बुलेंस से जा रहा अस्पताल तो बेचारे की डेथ तक हो जाती है, और ये भी नहीं पता है कि ये रास्ता आधे घंटे रुकेगा कि 20 मिनट रुकेगा, इससे इतना जनता परेशान होती है कि बिल्कुल आप उसका जीना दुश्वार हो जाता है। कहीं आप गौड़ साहब बात तो बिल्कुल बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आचरण में आपके नेता ऐसा दिखाते नहीं है। आपके आपकी पार्टी के ही नेता हैं आजम खान साहब, उनकी जब भैंस गुम हो जाती है तो पूरा महकमा लग जाता है, क्योंकि वीआईपी भैंस है, वीआईपी मंत्री हैं, उनकी भैंस है, उनको खोजने में पूरे स्टेट की मशीनरी जो है वो भैंस को खोजने में लग जाती है। ये भी तो उसी की एक वानगी है। सही आपकी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नेताओं को चाहे आईएएस हो या आईपीएस सबको अपने देखिए आप बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आईएएस और आईपीएस की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर पाएंगे तो जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? नहीं, आप अपने नेताओं को कहें ना कि वो इस तरीके का इंस्ट्रक्शन नहीं दें। मैं कहता हूं कि वीआईपी कल्चर को इसको जी गौर साहब अपने नेताओं को कहेंगे ना जो इस तरीके का इंस्ट्रक्शन ना दें, रोकने की जो जिम्मेदारी है वो तो आपके नेताओं की है, मंत्रियों की है, जिनकी सरकार है उनकी है। आप ये पूरा मामला सिर्फ आईएएस और आईपीएस पे डाल करके अपने आप को बचा नहीं सकते। लेके और स्टेट सब में लागू होता है, सब में लागू होता है, और इसको कम होना चाहिए, लोगों में बदलाव लाना चाहिए। बस जनता ने मुझको चुन के भेजा है यहाँ पे, तो हम जनता की सेवा में लगे, न कि होटल के उसके चक्कर में। बहुत जगह तो मैंने देखा है जी कि ड्राइवर जो है ऐसे बिना मतलब जो है मंत्री के नेता के गाड़ी ऐसे हुटर बजाते हुए चल रहे हैं और जनता में एक भयावह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। गौड़ साहब जब आपके नेता मुलायम सिंह जी जब निकलते हैं लखनऊ में तो वहां भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, जब आपके मुख्यमंत्री निकलते हैं अखिलेश सिंह यादव तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, पूरा मूवमेंट जो है जनता का रोक दिया जाता है। कानपुर की ही घटना है 2010 की, वहां पर वीआईपी मूवमेंट के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी क्योंकि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका था। तो क्या आप इस तरह के स्टूडियो में मीडिया के सामने तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपनी इस बात को अपने नेताओं को अपने मंत्रियों तक पहुंचाते हैं कि आपके कारण जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो आपके कारण ट्रैफिक का मूवमेंट रुक रहा है, उससे आम आदमियों को काफी नुकसान हो रहा है, परेशानियां हो रही है, क्या ये बात कभी आपने अपने नेताओं से भी कही है? और जो मंत्री छोटे नेता इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के जो आला कमान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
गौर साहब, मैं बात आपके मुख्यमंत्री की कर रहा हूं और आपके जो नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी उनकी बात कर रहा हूं, वो भी जब निकलते हैं लखनऊ में तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसकी व्यवस्था देखिए ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए। अगर ट्रैफिक पुलिस अपनी जगह मुस्तैद है तो वो न तो जाम लगने देगी न कुछ, अगर 5-10 मिनट अगर रुकना पड़ता है जनता को तो उसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। गौर साहब, अगर दो दिन आपके नेता या मुख्यमंत्री जाम में फंस जाएंगे तो व्यवस्था ट्रैफिक की वैसे ही सुधर जाएगी। अगर आप और आपके नेता चाहते हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो दो दिन जाम में रुक जाने में क्या हर्ज है, जनता का इसी में फायदा होगा। नहीं, ट्रैफिक अगर ट्रैफिक पुलिस अगर सही तरीके से ट्रैफिक का संचालन करती है और जनता को आने जाने का रास्ता दूसरा डाइवर्ट कर देती है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अगर 10-15 नहीं, हम तो बात करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बात नहीं, प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम हो रही है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी भी तो आपकी सरकार की है। देर तक जाम लगती है। नहीं गौर साहब, ट्रैफिक व्यवस्था कौन सुधारेगा, आपकी सरकार है, आप ही सुधारेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था सरकार सुधारेगी और सुधार रही है, ऐसी बात नहीं है, काफी कुछ सुधार हो रहा है। जो ये घटनाएं हुई उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने काफी कुछ सुधार किया हुआ है। जी गौर साहब, जिस भी नेता से हम बात कर रहे हैं वीआईपी कल्चर को खत्म करने की, उनकी उन पर प्रतिक्रिया लेने की, हर एक नेता की चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका यही कहना है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, ये गलत है, लोगों को परेशानी होती है। लेकिन कोई भी नेता इस पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जब अमल करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं और ये जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास उदित राज जी का जो हमारे सांसद है दिल्ली से, उनका बयान भी है दिल्ली, उनको हम सुनाते हैं आपको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं वीआईपी कल्चर को। वीआईपी कल्चर को लेकर हमेशा से बहस होती रही है, हमारे साथ बीजेपी के सांसद उदित राज जी हैं। उदित जी, जिस तरह से वीआईपी कल्चर लागू होता है, कोई पार्टी कहती लागू करना चाहिए, कोई पार्टी कहती नहीं लागू करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा है कि ये जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, जैसे पहुंचना है, इतने ज्यादा काम होते हैं, क्षेत्र में जाना है, यहाँ संसद में काम है, कमेटियाँ हैं, किसी का दुख तकलीफ है, हर जगह पहुंचना, अगर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं नहीं होंगी तो जो जनप्रतिनिधि हैं काम नहीं कर पाएंगे, तो ये आवश्यकता बन जाती है एक जगह। हाँ, अनावश्यक नहीं होना चाहिए। कुछ मुख्यमंत्रियों का भी बारे में रूट ऐसा लगा कि पूरा आधा आधा घंटा बंद रहता है, तो जितनी आवश्यकता है उतना तो एक्सरसाइज करना चाहिए। वो जनता के हित में ही किया जाता है, देश के हित में किया जाता है, विकास के हित में किया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। अब आज एक एक दिन में 10-10, 12-12 मीटिंगें हम लोगों को अटेंड करना पड़ता है, क्षेत्र में है, लोकसभा में जाना पड़ेगा और फिर लोकल मीटिंगें हैं, फिर ऑफिस में है, कमेटियों के मीटिंग में है, कैसे जा सकता है? तो आप मानते हैं कि वीआईपी कल्चर लागू होना चाहिए? वीआईपी कल्चर की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आवश्यकता है जितनी होनी चाहिए उतना होना चाहिए। मैं वीआईपी कल्चर की उसको आप कोई भी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन मैं उतने कहूँगा कि कुछ ऐसी सुविधाएं होना चाहिए जो जनता के हित में ही सरकार चलाने के लिए। जी हाँ, तो ये थे उदित राज जो अपने तरीके से इस कल्चर का समर्थन कर रहे थे, या कहें जो पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे थे, जरूरत बता रहे थे कि कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं वीआईपीज की जिसके कारण से उन्हें अलग से अतिरिक्त सुविधाएं जो है विशिष्ट सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। साहिस्ता अंबर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। साहिस्ता जी, स्वागत है वंदे मातरम में आपका। अभी आप उदित राज को सुन रही होंगी, यदि तो उन्होंने साफ तौर पर वीआईपी कल्चर का आप यूं कहें जो समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जिस तरीके की मजबूरियां गिना करके वो बता रहे थे कि इतनी व्यस्तता होती है, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है सर पे और सबको एक दिन में निपटाने के लिए उन्हें कुछ विशिष्ट सुविधाएं चाहिए, उन्हें ट्रैफिक में अगर फंस जाएंगे वो तो शायद जनता का बहुत बुरा हो जाएगा, क्या कहेंगी आप? देखिए ऐसा है, उदित राज जी जिस समाज से उठकर के आए हैं वो समाज की सारी स्थितियां परिस्थितियां से अच्छी तरह वाकिफ है कि डाउन क्लास में आदमी अपनी आवाज तक तो कह नहीं सकता है, वो समाज का सबसे पिछड़ा और कमजोर, उनकी आवाज में भी कोई दम नहीं होता, जब तक उसको कोई तवज्जो ना दे तब तक वो चिल्लाता चिल्लाता मर जाएगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं?
यहाँ सड़कों पे तो कितनी डिलीवरियां हो गई, सड़कों पे तो कितनी मौत हो गई, और वो वीआईपी कल्चर वो किसी तरह से जाम ही नहीं खत्म होता है। आखिर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करती है कि आप वीआईपी गाड़ियां भी जाएं और एम्बुलेंस भी जाए, और आम जनता जिसका कोई किसी का प्लेन छूट रहा है, किसी की फ्लाइट छूट रही है, किसी की ट्रेन छूट रही है, ऐसे बहुत सारे हादसे तो होते हैं जिसको हम लोगों को भी जानकारी है कि कभी कभी बच्चे की पैदाइश हो जाती है सड़क पर और गाड़ियां नहीं मिलती। आप छोड़िए, हॉस्पिटल में वीआईपी का ऑपरेशन हो रहा है और दूसरों को बेड दे, वीआईपी को बेड दे दिया गया और गरीब जनता को जमीन में लेटा दिया गया। तो ये वीआईपी कल्चर जो है ये सबसे ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज को बिल्कुल साहिता जी सहमत हूँ मैं आपसे। और यदि सरकारी अस्पतालों में या जिस तरीके से वीआईपी को अस्पतालों में ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग से सुविधाएं दी जाती है, अगर वीआईपी को भी सामान्य कैटेगरी में सुविधाएं दी जाए तो जो व्यवस्था है अस्पताल की जो कि बिल्कुल बदतर होती है, वो मेरे ख्याल से अगर वीआईपी को भी उसी तरीके की सुविधा मिले तो ये व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। जिस तरीके से उदित राज कह रहे थे कि ट्रैफिक में फंसेंगे तो काम नहीं होगा, अगर दो चार वीआईपी रोज ट्रैफिक में फंसे तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। क्या कहेंगी साहिस्ता जी, क्या वीआईपी को बिल्कुल जिस तरीके से कॉमन मैन है उन्हीं के ढर्रे पे अगर चलना चाहिए, अगर सिस्टम को सुधारना है तो उसी ढर्रे पे अगर वीआईपी को भी ले आया जाए, सो कॉल्ड वीआईपी, मैं वीआईपी नहीं कहूंगा, सो कॉल्ड वीआईपी, क्योंकि वो अपने आप को वीआईपी मानते हैं, अति विशिष्ट मानते हैं, क्योंकि सरकार भी उन्हें वीआईपी का दर्जा नहीं देती, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो वीआईपी नहीं है, वो उस तरीके की सुविधा पाने के हकदार नहीं है, बावजूद इसके जिनकी सरकार होती है उनके नेता उनके मंत्री इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। नहीं, जनता ने इनको वीआईपी बनाया है, सरकार ने नहीं बनाया है। आप समुदाय शिक्षा केंद्र में आप मंत्री के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, समुदाय शिक्षा केंद्र में आंगनबाड़ी में मंत्रियों और कैबिनेट ऑफिसर के बच्चे खाना क्यों नहीं खाते, दलिया क्यों नहीं खाते? ये वीआईपी कल्चर जो ये जो पनप गया है ये बहुत जाहिर है, इसमें दूरियां बांट रही है, समाज में समुदाय में जातों में बंटवारा हो गया है, इसको खत्म करना पड़ेगा। आप अपने कर्म और अपनी योग्यता के आधार पर ही आपको चयन होना चाहिए। आज किसी भी तरीके से आप किसी भी कल्चर में आप आ जाए और आपको मान्यता मिल जाए, गुंडे माफिया और हत्यारे लोग तो अगर साहिस्ता जी क्या आप ये कहना बन जाते हैं, वो जनता से जनता उनसे डरती है, ये वीआईपी कल्चर नहीं है, दहशत है। साहिस्ता जी क्या आपको लगता है कि जनता भी कहीं ना कहीं जो है इस कल्चर के प्रभाव में आ गई है, यार कहीं ना कहीं जनता भी ये चाहती है और इस तरह कहे जो एक मोटिवेट होती है इस वीआईपी कल्चर से, इसीलिए जनता उन नेताओं को तवज्जो देती है और आगे आने के लिए देती है, ट्रैफिक में रास्ता दे देती है, हॉस्पिटल में बेड लगाने का विरोध नहीं करती है, वीआईपी लॉन्च जब एयरपोर्ट पे जाते हैं नेता तो उनको वीआईपी लॉन्च अगर मिलता है तो उसका विरोध नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं जनता इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि वीआईपी को तो ये मिलना ही है, वो हमसे अलग है, अति विशिष्ट है, ये मानसिकता बना दी गई है, जनता मजबूर है, जनता को एजुकेटेड, जनता अगर पूरी तरह से लिटरेट हो जाए ना तो इस तरह के जो योग्य नहीं है और अपने को वीआईपी समझ करके चाहे ट्रेन पे एसी फर्स्ट क्लास में आप बैठ रहे हो और जनता धक्के खा रही हो, और तो उन्हीं के ओर से तो वो वीआईपी बने हैं। ये मिनिस्टर को चाहिए, ये अधिकारियों को चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज को बिल्कुल तार कर दिया, ह्यूमन वैल्यूज की कोई मर्यादा ही नहीं रहेगा। यहाँ ह्यूमन वैल्यूज अगर कुचला जाएगा तो वहाँ तरक्की नहीं होगी, ह्यूमन वैल्यूज की हिफाजत होनी चाहिए, उसको फलने फूलने तरक्की में देना चाहिए। ये हमारे देश के जो बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो भी ये बात कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वीआईपी कल्चर से ही समाज में बंटवारा होता है जी, और कमजोरी और पिछड़ापन आता है जी। साहिस्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साहिस्ता जी का क्या कुछ कहना था वीआईपी कल्चर को लेकर। जाहिर सी बात है तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस वीआईपी कल्चर को लेकर। वीआईपी कल्चर हमेशा से चर्चा का विषय बना ही रहता है, कुछ लोग चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर लागू हो और कुछ लोग चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से हटा दिया जाए। आइए आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। वीआईपी कल्चर इस देश में एक घुन की तरह लगा हुआ है और इसकी वजह से एक आम आदमी को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि उसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। किसी भी छोटे मोटे मिनिस्टर के निकलते टाइम भी
लोगों को आधे आधे घंटे एक घंटे तक वेट करना पड़ता है। कई लोग उसमें होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जल्दी होती है, किसी को दिल का दौरा पड़ा होता है, कोई लेडी होती है जो प्रेग्नेंट होती है, कोई बच्चा होता है जिसको हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है, और इन सभी लोगों को वीआईपी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि देश को वीआईपी कल्चर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। हमारी गुलामी को ख़त्म हुए कितने साल हो गए, मगर अभी भी हम लोग गुलाम हैं उन लोगों के जिनको हम लोग खुद से चुनते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या थी, बहुत लंबा लंबा जाम रहता है, होना चाहिए ऐसे तो लाल बत्ती हटनी चाहिए। आम आदमी जब भी कहीं भी जाता है, आम आदमी हर जगह परेशानी है। वीआईपी आदमी आता है चार घंटे पहले से, पहली बार तो रोड बंद हो जाता है, रोड जाम कर देते हैं। अगले आदमी को कहाँ जाना है ड्यूटी का, लेट हो रहा है, कैसे जाना है, कैसे चल गया, ड्यूटी भी उसकी जाती है, ड्यूटी पे जाता है तो वहाँ से गाली भी खाता है, लेकिन वीआईपी आदमी अपना काम करके निकल जाता है। सब लोग इक्वल है तो सबके लिए एक ही जैसा रोल होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई वीआईपी है तो उसके लिए कुछ ज्यादा अलग, कोई ज्यादा मतलब इतना हाई फाई रूल बना के रखे, और गरीब लोग हैं जो जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई और अलग से प्लानिंग करी जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आई थिंक आई डोंट थिंक कि नहीं होना चाहिए कोई वीआईपी कल्चर, सब बराबर है, सबको क्यू में लगना चाहिए। कोई बहुत बड़ा वीआईपी है तो इट्स अलग अलग है बात है, बट उसके अलावा बाकी अगर मेरा यहाँ का दिल्ली का सीएम क्यू में लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ प्रॉब्लम होंगी, क्रिएट होंगी नॉर्मल पब्लिक के लिए। उसके अलावा कोई नॉर्मल अगर कोई है छोटा, कोई पॉलिटिशियन है या कुछ भी है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता जो मतलब हिसाब से उनको मतलब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हाँ कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार चांस की बात है, कई बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो जाता है, सवारी को पैसेंजर को देर हो जाती है, कई बार किसी को ट्रेन पकड़नी होती है, किसी को कहीं जाना होता है इमरजेंसी, कहीं फंस जाता है तो फंस जाता है। वीआईपी कल्चर होना चाहिए, है नहीं है ठीक, बट यस कहीं हम भी जाते हैं तो इफ मिनिस्टर इज कमिंग तो आप उसको मना नहीं करोगे, कोई भी उसको मना नहीं करेगा, हाँ हम आपका काम नहीं कर रहे हैं, एंड रेस्ट पीपल आर स्टैंडिंग विल डू इट, या उसको लाइन में लगाया जाए। ये अगर हर एक की अगर है किसी ना किसी के अप्रोच कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स द पीपल यूज दैट, 50% सही है 50% गलत है। तो सुना आपने, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते हैं कि अगर वीआईपी कल्चर हमें फॉलो करने को मिले तो क्यों नहीं हम उसे फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि वो भी उन्हें उनके साथ भी वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। और आइए आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं वीआईपी कल्चर को लेकर किस तरह से ट्वीट किए गए हैं। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र में सीएम है, उनका कहना है कि वो वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं, हालांकि वीआईपी कल्चर को लेकर उनके साथ भी बवाल सामने आया था। अजय माकन जो कि कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी महज 50 दिनों में आम से वीआईपी पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही थी लेकिन वो साफ तौर पर इसे फॉलो करते नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें सुधीर मिश्रा जो कि फिल्म निर्माता है, उन्होंने कहा भारत में वीआईपी संस्कृति ऊपरी जाति की मानसिकता से जुड़ा हुआ है और इसे खत्म करने की जरूरत है। तो देखा आपने कि किस तरह से ट्वीट किए गए इस वीआईपी कल्चर को लेकर, तो कोई सहमत है तो कोई नहीं सहमत है, लेकिन हकीकत क्या है वो ये है कि वीआईपी कल्चर को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें बढ़ती हैं। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि उदित राज का साफ तौर पर कहना है कि वीआईपी कल्चर फॉलो करना चाहिए, करना पड़ता है क्योंकि उनकी तमाम मजबूरियां उन्होंने जरूर गिनाई। और आपको बता दें कि इस वक्त फोनलाइन पर उषा ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। उषा जी स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में। हेलो जी उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। जी जी उषा जी, जिस तरीके से वीआईपी कल्चर को लगातार फॉलो किया जा रहा है और वीआईपी कल्चर के चलते तमाम तरह की दिक्कतें भी आती हैं, कई घटनाएं भी हो जाती हैं, और इस पर क्या कहेंगी आप? ये भारत देश है, 80% ऐसी जनता साधारण जन है, दिन रात साधनों जाने के लिए कोई कहीं अस्पताल करता है, कोई और कई ऐसा होता है। ये लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है उषा ठाकुर की हमें, हम इस उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता देंगे जिस तरीके के रिएक्शन हम देख रहे थे आम जनता की, कहीं ना कहीं उनकी रगों में या कहें जो वो भी कहीं ना कहीं इसे
वो उस मानसिकता में ढल चुके हैं वीआईपी कल्चर की, क्योंकि इतना ज्यादा आपको बता दें ये केवल हमारे भारत में ही है जो जहां पर इस तरीके के वीआईपी कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, वरना ये लाल पीली बत्ती का कल्चर किसी भी डेवलप्ड यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साउथ एशियन कंट्री में ही आपको इस तरीके के वीआईपी कल्चर से रूबरू होना पड़ता है, भारत हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो या हो पाकिस्तान, यहां इस तरीके के वीआईपी कल्चर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर इस तरह की बात नहीं है। हमारे साथ बठिंडा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, फोन लाइन पे हैं, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप इस वीआईपी कल्चर पे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया है और ये वीआईपी कल्चर तुरंत बंद होना चाहिए। ये जब तक बंद नहीं होगा ना तो हमारा देश तरक्की कर सकेगा ना ही लोग ऊपर उठ सके। जी सुरेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुरेश बठिंडा से, जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए चर्चा के लिए, और सीधा मैं सवाल पूछना चाहूंगी आरपी रतूरी जी से। आरपी जी, रतूरी साहब, मैं आपसे यहां पर ये पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि वीआईपी कल्चर फॉलो किया जा रहा है, खुद नेता भी इसको बड़े ही दिलेरी के साथ कहते हैं, जब हम पूछते हैं, जब मीडिया पूछता है कि क्या वीआईपी कल्चर को फॉलो किया जाना चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, कुछ नेताओं का मानना है कि हाँ जरूर होना चाहिए। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, आप ही की पार्टी के कई नेता ऐसे हैं, अगर रेणुका चौधरी की बात करूं तो उनकी वजह से 2 घंटे विमान देरी से उड़ा, और इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि वो शॉपिंग कर रही थी, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी कि उनके पैर में चोट थी, इस वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बहाना बना देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का कल्चर ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में माननीय हरीश रावत ने इस कल्चर को जैसे उन्होंने शपथ ली उसको कम किया। 11-11, 12-12 गाड़ियों के काफिले होते थे पूर्व के मुख्यमंत्रियों के, उन्होंने उसे घटा करके अपनी बात केवल 2 गाड़ियों के और एक सुरक्षा की व्यवस्था की, उसको घटाया। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक किसी भी ट्रैफिक को न रोका जाए। और बिल्कुल रतूरी साहब, आपको रोकना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंभू दिल्ली से हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शंभू रखिए, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं दिल्ली से शंभू जी बोल रहा हूँ। सर जी, ये वीआईपी कल्चर का चर्चा चला रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। हाँ सर जी, वीआईपी कल्चर का चर्चा चला रहा है, ये वीआईपी कल्चर से हमें आम लोगों को कितना पता नहीं होता है, आपको पता होगा। शंभू जी, क्या आप कभी रूबरू हुए हैं इस वीआईपी कल्चर से? क्या आपको इस कल्चर के कारण कभी ट्रैफिक में फंसना पड़ा है? सर, एक बार नहीं, हजारों बार फंसना पड़ा है सर जी। बिल्कुल, तो शंभू जी है जो हजारों बार लगातार इस तरह, शंभू जी जैसे सैकड़ों दर्शक हैं ऐसे, हमारे ऐसे आम जनता है ऐसी जो इस कल्चर की शिकार हुई है, और ट्रैफिक में मैं तो खुद 2-3 बार रचना कहूं कि 2-3 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वीआईपी कल्चर का जो है शिकार हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसे भी डांट खानी पड़ी होगी, अपने ऑफिस में हो, अपने स्कूल में हो, अपने कॉलेज में हो। जी, हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। उदयन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए, बताइए क्या राय है आपकी, क्या लगता है आपको वीआईपी कल्चर फॉलो होना चाहिए? एक्चुअली मैम, वीआईपी कल्चर के लिए मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मेरी जो समझ है मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली हमारे यहाँ जो हमारे देश के नेता हैं, जो इंडिया के लोग हैं, इनको तो वीआईपी से कोई मतलब लेना देना नहीं होना चाहिए। जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए अगर हम वीआईपी कल्चर रखें तो मुझे कुछ ठीक लगता है, क्योंकि हमारे देश के लोग तो ये समझते ही हैं कि हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है, कैसे है, वो सब अच्छी भली बात ही वो जानते हैं, तो उनके लिए वीआईपी कल्चर कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए लोगों को परेशानी होती है, आम आदमी को रूट बदल दिया जाता है, रूट कई घंटे तक रुका हुआ रहता है, तो बहुत आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस चीज से वो अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं कि हमारे देश में कहाँ पे क्या है, किस तरह से है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो लोग, जो आम जनता पहुंचाती है उस पद पर लोगों को आम से खास बना देती है, वही खास लोग आम लोगों को अक्सर भूल जाया करते हैं वीआईपी कल्चर के चलते। हमारे साथ जो भी मेहमान जुड़े थे, रतूरी साहब और गौर साहब, आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का, अभी समय हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं हम वंदे मातरम।
इस बीच आपको बता दें हरियाणा से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र। राजेंद्र बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर जी सबसे पहले आपको जय हिंद जी। हाँ जी बताएं। आपको जय हिंद सर जी। हाँ जय हिंद। मेरा कहने का मतलब एक है सर जी, बिल्कुल क्यों नहीं अपने देश का, जैसे देश आजाद हुआ क्यों नहीं अपने देश का सही प्रकार से बंटवारा करके सबको सबको वीआईपी बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये थे राजेंद्र जो कि हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे, लेकिन अभी समय हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। वंदे मातरम में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले हम अपने दर्शकों को छोड़ जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। नमस्कार। राहुल गांधी, माँ आपकी वजह से ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। सोनिया, वो कैसे? राहुल, आपके हर पोस्टर में लिखा होता है सोनिया जी को बहू मत दो। पति, आज खाने में क्या बना रही हो? पत्नी, आज पनीर चिली और मंचूरियन, कोफ्ता, वेज अफगानी, चावल में हैदराबादी दम बिरयानी, बटर रोटी, मसाला कुलचा और पाइनएप्पल रायता, वेनिला, साथ में हॉट चॉकलेट, अखरोट बादाम का हलवा, साथ में तुम्हारे लिए जबरदस्त ठंडी बियर। पति, खाना बना रही हो या मोदी की तरफ बेवकूफ बना रही हो? अमेठी में ओले से पीड़ित किसानों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सभी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पीछे से अहमद पटेल ने धीरे से कहा, मैडम मुआवजा नहीं मुआवजा। केजरीवाल, मुझे कोड ऑफ कंडक्ट मत समझाइए। पुलिस वाला, ओह सॉरी सर मैं भूल गया था, ये बातें आप लोगों को समझ कहाँ आती हैं? आऊंगी। तो नहीं बेटे। दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है एमडी, आज चना मसाले का कमाल। ओहो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए।